नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो आप सभी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। और आज हम सब सबसे जो बच्चों को कठिन लगता है आज हम वही चीज पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में सबसे टफ पोर्शन होता है हमारा वोकैबुलरी, एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैबुलरी। दो ज़्यादा आते हैं हमारे पोर्शन कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में जब भी हम देखते हैं। तो आज हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वो क्या है वोकैबुलरी, सबको याद हो जाता है लेकिन 2 से 4 दिन में हम उस चीज़ को फिर से भूल जाते हैं। तो आज हम उसको कुछ ट्रिक वाइज कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो हमें याद रहे। देखिए आप लोग पहला शब्द, जी हाँ हमारा पहला वर्ड है मर्की। मर्की मर्की मर्की, जैसे ही इस वर्ड को हम देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि मर, मरने के बाद आपको क्या याद आएगा कि अंधकार हो जाता है। जैसे ही आप इस वर्ड को देखेंगे आपको उससे मर की तुरंत पढ़ेंगे तो आपको मरने के बाद अंधकार समझ में आएगा। तो इस वर्ड का आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि अंधकार पूर्ण होगा। जैसे ही इस वर्ड को आप देखेंगे तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब अंधकार पूर्ण होगा। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो रहेगा वो है मोरोज। जी हाँ, जब आपने इस चीज को देखिए, रोज को देखिए गौर से, जैसे आपको कोई रोज 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 आपको मिलेगा तो आपका क्या होगा, मुंह बन जाता है कभी कभी, आप कैसे हो जाते हो, उदास हो जाते हो। तो मोरोज का मतलब क्या होगा हमारा, उदास होगा। तो मोरोज का मतलब उदास होगा, रोज मिलता है मुंह आपका कैसा हो जाएगा, उदास भरा हो जाएगा। और हमारा तीसरा वर्ड होगा मेंडेसिटी। क्या होगा मेंडेसिटी, इसको हम तोड़ के देखते हैं। मैन दासी थी, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैन दासी होगी, जी नहीं, मैन क्या होगा, दास होगा। इसीलिए क्या है हमारा, असत्य है। जैसे ही हमने पढ़ा मैन दासी थी तो वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया, असत्य हो गया। मेंडेसिटी का मतलब असत्य हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट वर्ड जैसे ही आएगा मेडले। आप सभी ने बहुत सारे गाने सुने होंगे, बहुत गाने सुने होंगे आपने, हमेशा सुने होगा मेडले सॉन्ग आ गया। तो मेडले का मतलब होता है मिक्सचर, मिलाना, बहुत सारे सॉन्गों को मिक्स कर दिया जाता है। तो मेडले का मीन्स क्या हो जाएगा, मिलाना हो जाएगा। और जब भैया मेडले होंगे सॉन्ग तो वो हमको सुनने में कैसे लगेंगे, मेलोडियस मेलोडियस मेलोडियस, मधुर लगेंगे। मेलोडियस का मतलब क्या होगा, मधुर होगा हमारा। तो मेलोडियस का मतलब मधुर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा मिनट। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास मिनट बहुत कम होते हैं, जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है। तो मिनट का मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम, अत्यंत छोटा। मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यंत छोटा। जी हाँ, तो मिनट काफी छोटी इकाई भी होती है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यंत छोटा। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वह मैडन है। और आप मैडन वर्ड मैड से मिलकर बना हुआ है, आप मैड से देखिए इसको। मैड का मतलब क्या होता है, पागल होता है। हम सब इसको पागल कहने लगते हैं, जैसे बोले मैड हो गया ये व्यक्ति, तो ये क्या हो गया, पागल हो गया। तो मैडन का मतलब भी हमारा पागल होगा, तो इसका मतलब है पागल। मैड से आप इसको ध्यान रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वह मर्क्यूरियल होगा। और आप सभी जानते हैं जब मरकरी आई थी तो हमें क्या देखने को मिला था, परिवर्तन देखने को मिला था, हम सभी ने परिवर्तन देखा था। तो उसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, मर्क्यूरियल मतलब मरकरी, यहाँ हम इसको मरकरी बस पढ़ रहे हैं तो क्या आपको समझ में आएगा, परिवर्तन हुआ था। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, मर्क्यूरियल मतलब परिवर्तन होगा, परिवर्तनीय। इसी के साथ भाइयों मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो।